बार लोग जान भी दे देते हैं। कुछ ऐसा ही मामला जबलपुर के खितौला क्षेत्र में सामने आया, जहां एक बेटी पिता के सपनों को पूरा नहीं कर पाई तो 6 पेज का सुसाइड नोट छोड़कर फंदे से झूल गई। युवती के पिता ने पैतृक संपत्ति बेचकर 8 लाख रुपए देकर चचेरे भाई भाभी के पास इंदौर MPPSC की तैयारी करने के लिए भेज दिया था। वह भाई भाभी ने सारी रकम हड़प ली। खितौला पुलिस के मुताबिक वार्ड क्रमांक 17 सफरी मोहल्ला खितौली निवासी प्रेमचंद गुप्ता खेती किसानी करते हैं। उनकी 3 बेटियां और एक बेटे में पलक मझली संतान थी। प्रेमचंद की बड़ी बेटी का विवाह हो चुका है। वहीं BA की पढ़ाई करने के बाद पलक ने माता पिता से अफसर बनने की इच्छा जाहिर की थी। पिता ने अपनी पैतृक संपत्ति को बेचकर 8 लाख रुपए जुटाए। बेटी का भविष्य संवारने के लिए प्रेमचंद ने भतीजा और बहू को 8 लाख रुपए देते हुए उनके साथ पलक को इंदौर भेज दिया। वहां से राजेश और स्तुति गुप्ता ने प्रेमचंद से मिले 8 लाख रुपए अपनी सुख सुविधा पर खर्च कर दिए। पलक का किसी भी कोचिंग में प्रवेश नहीं कराया और न ही तैयारी कराने में उसकी कोई मदद की। उल्टे पलक को मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान करने लगे। भाई और भाभी की हरकतों से परेशान होकर पलक खितौला घर लौट आई। 15 अप्रैल की रात में पलक ने घर में फंदे से झूल कर आत्महत्या कर ली। पुलिस के पास उसके 6 पेज का सुसाइड नोट मिला है। इस सुसाइड नोट में पलक ने आपबीती लिखते हुए चचेरे भाई राजेश और भाभी स्तुति को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। परिजन फंदा काट कर उसे सिहोरा अस्पताल ले गए, पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण को जांच में लिया है। वहीं सुसाइड नोट के आधार पर चचेरे भाई और भाभी के खिलाफ सुसाइड के लिए मजबूर करने का प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया है। महक उर्फ पलक के सुसाइड के मामले में खितौला पुलिस ने रेलवे में कार्यरत चचेरे भाई राजेश गुप्ता और उसकी पत्नी स्तुति गुप्ता के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। पुलिस ने आरोपी राजेश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया, जबकि स्तुति फरार है, उसकी तलाश की जा रही है।